वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। गाइज, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, इसमें हम गाइज मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे एंड काफ़ी और मैसेजेस जो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको पहले ना कहे हों लेकिन वो कहना चाहते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। एंड साथ ही हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास दो पाइल हैं। पाइल वन, जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, उनको पाइल वन को चूज़ करना है। एंड जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, उनको चूज़ करना है पाइल टू को। ओके गाइस, सो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल वन को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। मैं पाइल इधर रख देती हूँ एंड लेट्स सी मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है, अरे कार्ड्स गिरी जा रहे हैं। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है उनके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज बताएं। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस इन रिवर्स। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड एंड ये मैं पाइल इधर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला हमारे पास, जैसे कि आपने देखा, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। नेक्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो गाइज, आपके पर्सन, आप लोग के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा। आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो एंड वो आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। वजह हो सकती है फैमिली, इनको अपनी फैमिली से डर लगता है, ये काफ़ी प्रेशराइज महसूस करते हैं फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी एंड ये रिलेशनशिप स्टक है। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे को मिले हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, कार्ड आया है हमारे पास, डोंट वेक अप ऑल नाइट। तो हो सकता है अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, या अपने फ्रेंड से पता लगा के, एंड ये आपको बोल रहे हैं कि रात रात भर तक मत जागो, जस्ट गिव मी टू मोर मंथ्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी टाइप का अल्टीमेटम आपने दिया है एंड वो आपसे थोड़ा सा टाइम और मांग रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ 2 महीने और दिए जाएँ। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं इनको बोलते हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप को स्टक करके रखा हुआ है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं दैट ही और शी हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आई एम सो मच कन्फ्यूज। तो ये कन्फ्यूज गाइज हो सकता है इसलिए क्योंकि फैमिली एंड आपके बीच में चूज करना है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकाला जाए जहाँ फैमिली भी खुश हो एंड आप भी खुश हों। आई एम स्केर्ड यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की, जैसे कि मैंने बोला, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर डर है कि आप इनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करोगे उनके लिए अपनी लाइफ में। गाइस, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी। ओके, ये कार्ड आ रहा है, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। ये दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट गाइस, ये मजबूर हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव
यू नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं कि जब भी वो सुबह आँख खोलें आप उनके सामने हों। बट यहाँ इश्यूज हैं, डेफिनेटली यहाँ इश्यूज हैं। ओके सो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ओके कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। तो उनको लगता है कि इस दुनिया में अगर कहीं हेवन है, जन्नत है, वो सिर्फ आपके साथ के साथ है। जब तक आपका साथ इनके साथ है तभी ये दुनिया इनके लिए जन्नत है। ओके चलिए देखते हैं बाकी के क्या मैसेजेस आए हैं हमारे पास। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनके फेवरेट हो। लव इज अ चॉइस एंड आई चूज यू। तो वो बोल रहे हैं कि वो हर बार एंड हमेशा आप ही को ही चूज करेंगे। वैल्यू यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। तो इनको इस चीज़ का एहसास है कि जो भी चीज़ वो आपसे शेयर करते हैं आपको बखूबी उस चीज़ की अहमियत है। तो ये आपको बोल रहे हैं आई लव यू और साथ में किसेस दे रहे हैं। ओके एंड चलिए देखते हैं गाइस, ये मेरे थोड़े हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इससे देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। दैट्स इट, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी कार्ड्स। ओके एंजल नंबर्स, तो हो सकता है गाइस आप लोगों को एंजल नंबर्स काफ़ी नज़र आ रहे हो, तो हो ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड देन वी हैव इस चैरिटी। तो हो सकता है कि आपने कोई मन्नतें मांगी हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड आप भूल गए हैं, तो आपको बोला जा रहा है चैरिटी करो। एंड अगर फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तभी भी आपको बोला जा रहा है चैरिटी कीजिए। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। I want to overcome my fears. तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं अगर इनको फैमिली का डर है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, तो डेफिनेटली वो बोलना चाह रहे हैं कि वो इस फियर को ओवरकम करना चाहते हैं, इस डर को ओवरकम करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज आई वॉन्ट यू बैक। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला नाराज़गी है ना, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन हो रखा है, तो ही वॉन्ट्स यू बैक, ही और शी वॉन्ट्स यू बैक इन टू हिज होल लाइफ। नेक्स्ट वी हैव इज वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप उनको चांस देंगी ताकि वो चीज़ें सही कर पाएं आप दोनों के बीच में। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन। तो ये डेफिनेटली कोई एक्शन लेने वाले हैं, ये तो हम देखेंगे भी इस रीडिंग में कि क्या एक्शन लेने वाले हैं ये। नेक्स्ट वी हैव इज आई प्रिटेंड लाइक आई एम नॉट पेइंग अटेंशन बट आई सी एवरीथिंग। तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हो रखी है आप लोगों के बीच में, एंड यहाँ पे मैसेज भी आया है आपके लिए डोंट वेक अप ऑल नाइट। तो डेफिनेटली आपके पर्सन, देखिए ये मैसेज है डोंट वेक अप ऑल नाइट, एंड आपके पर्सन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि रात रात भर तक मत जागो क्योंकि ये आपको क्लोजली कहीं से देख रहे हैं, आपके एक्शंस देख रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा आप अपना भी। I feel empty inside. I need to fill me up before I can give you what you need. तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका ये मानना है जब तक ये खुद हील नहीं होंगे तो इस रिलेशनशिप में काम कैसे करेंगे। Which is very good guys. अगर कोई आपसे हीलिंग के लिए टाइम मांग रहा है तो दे दो। I still remember the good times we shared. तो उनको आज भी वो यादें याद आती हैं जब आपके साथ यू नो गुड टाइम्स उन्होंने स्पेंड करे थे। नेक्स्ट वी हैव इज वुड यू रिजेक्ट मी। तो इनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बार बार ये मैसेज आ रहा है आई एम स्केयर्ड यू विल नॉट एक्सेप्ट मी, एंड यहाँ पे आया है वुड यू रिजेक्ट मी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कहीं आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे आप। थोड़ी देर और ठहर जा, दिस इज अ सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। एंड नेक्स्ट वी हैव इज इन्ना सोना।
तो ये हो सकता है कि ये एक सॉन्ग हो जो आप लोगों के साथ एक मेमोरी हो इस सॉन्ग से रिलेटेड, या ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ये सॉन्ग। ये सॉन्ग्स कैसे आ गए, मैंने तो मैसेजेस देखे थे। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, तो ये इनमें डेफिनेटली चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, तो ये हील करके ही अपने वापस आएंगे एंड यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन हिज और हर एक्शंस। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए है मैरिज मटेरियल, तो कहीं ना कहीं आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, इन्होंने तो यही बता दिया। नेक्स्ट एक्शन देखूँ या ना देखूँ अब आप लोग मेरे को बता दो। जग घूमिया, दिस इज़ अनदर सॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है आपका म्यूज़िक से काफ़ी कनेक्शन हो, या आप लोग यू नो जब बातें करते हो तो म्यूज़िक के थ्रू इंटरेक्ट ज़्यादा करते हो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो कहीं ना कहीं इनको कोई कमिटमेंट फोबिया है, ये डरते हैं कि ये अच्छे नहीं निकलेंगे एज अ पार्टनर, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। नेक्स्ट मैसेज है यू आर एन एंजल, तो ये आपको एक एंजल एक परी की तरह मानते हैं। आई लव टू बी अराउंड यू, यू लिफ्ट मी अप, विल बी बाय योर साइड फॉर एवर। तो डेफिनेटली गाइज ये शादी का सोच रहे हैं आपके साथ, अगर आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये शादी नहीं करेंगे एंड ऑल, तो डेफिनेटली यहाँ आप बता दो, क्योंकि हमारे पास मैरिज मटेरियल भी आया है एंड ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं ताकि ये आपके काबिल बन सकें। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीरियस फॉर यू एंड ये आपका होना इनकी ज़िंदगी में इनको हील भी करता है। इन्होंने खुद ही लिखा दैट आई लव टू बी अराउंड यू क्योंकि यू लिफ्ट हिज स्पिरिट। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग आर कनेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना कहीं ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ इस कनेक्शन को। एफर्ट्स तो देखो यहीं से ही पता लग गए एंड इन्होंने आपको खुद ये बोल दिया कि ये नेक्स्ट एक्शन भी लेंगे। आई थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइम वी किस, तो हो सकता है अगर आपके कोई ऐसे मोमेंट रहे हो तो वो डेफिनेटली उनको याद आते हैं। ओके सो चलिए देखते हैं गाइस आप लोगों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो हमने देख ही लिया कि डेफिनेटली ये एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन ये एक्शन क्या लेंगे ये देखते हैं और कब लेंगे। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी फाइल वन को सिलेक्ट करा है उनके पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे। वी हैव द स्टार, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, अब आपके पर्सन वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके आई होप द कार्ड्स आर विजिबल, जस्ट अ सेकेंड गाइस मैं ये मैसेजेस साइड रख दूँ ताकि क्लम्सी ना हो आपको भी समझने में। ओके जस्ट अ सेकेंड, स्टार डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है, एक इंटेंस टाइप का अट्रैक्शन आपको महसूस होता होगा। भले ही आपकी लाइफ से चले गए हैं लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्स आपको एंजल नंबर्स द्वारा या कोई ना कोई इनकी मेमोरी अचानक से आ जाती होगी। डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन है। वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप देख रहे हो ये इंसान कैसे आ रहा है, ये वेवी वाटर्स से जहाँ पे इसका डर है कि किसको चूज़ किया जाए, ये सब कुछ पार करके सारी मुसीबतें पार करके आपकी तरफ आ रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड मैं निकालना चाहूँगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो डेफिनेटली ये इंसान अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है एंड ये आपको गाइज मिलने के लिए बुलाएंगे, ये आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे एंड किसी फ्रेंड की, कुछ लोगों के केस में किसी फ्रेंड की, आपके म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प लेंगे। ओके कब तक एक्शन लेंगे गाइज ये मैं बताती हूँ।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है, ओके कार्ड आ गया है हमारे पास। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पहले भी आ रहा था बार बार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। ओके सो गाइज, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक साल लग सकता है, जब क्योंकि इन्होंने बोला कि ये हील भी होना चाहते हैं एंड देन एक्शन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मैं बोलूँगी एक साल, छः महीने से एक साल के अंदर अंदर ये एक कंप्लीट, यू नो, एक होता है ना फिक्स डिसीजन ले लिया, तो ये एक फिक्स डिसीजन ले लेंगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कि इनको किस तरफ जाना है। ओके डेफिनेटली यहाँ इंटेंशंस तो क्लियर हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, बट उस चीज़ में कि ये शादी कब तक होगी एंड आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही या जो आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब लेकर ये वापस आएंगे, एंड ये वापस आएंगे कम्प्लीटली कुछ लोगों के लिए 6 महीने के अंदर अंदर एंड कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी गाइज हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ने ही कुछ इशू कर दिया, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे एंड फैमिली भी है, तो इन सबको कन्विंस करने में एंड चीज़ें सारी सॉर्ट आउट करने में टाइम लग सकता है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास आएगा विद इन 6 months to 1 year। ओके सो गाइज, आई होप ये रीडिंग आपको काफ़ी पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड क्या मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। गाइज तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनका बर्थ मंथ है फेब्रुअरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कुछ कही अनकही बातें आपके लिए क्या हैं एंड वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और कब तक वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ओके यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है। ओके कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, द एम्प्रेस। ओके ब्यूटीफुल एनर्जी, चैरियट रिवर्स में आया है ये कार्ड, चैरियट का 4 of Pentacles। ओके और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। गाइस इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, अगर इनको आना होगा ये फिर दोबारा आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके आई होप कि आपको विजिबल होगा यहां से क्लियरली। वी हैव द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of Pentacles। तो गाइज यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे जो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड वो ये हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन ये आपको शो नहीं करते। जब आप इनके सामने आते हो तो इन्होंने एक मास्क पहन लिया होता है दैट ही और शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एब्सेंस और प्रेजेंस का। बट विद द एम्प्रेस कार्ड, भले ही ये रिवर्स में आया है, ओके इसको मैं अपराइट में लूँगी, क्योंकि वो आपको एक अबंडेंट लेडी मानते हैं,
ओके अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तब भी, एंड अगर आप लड़का हैं तब भी, ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट, एक ऐसी विमेन जो अपनी पावर में रहती है, जो स्टेबल है अपने डिसीजन में, वो बखूबी जानती है कि उसको कब इमोशनल होना है, कब प्रैक्टिकल होना है, जो बिल्कुल फर्म है अपने डिसीजंस लेने में, ये बिल्कुल वैसा आपको मानते हैं। ओके बहुत खूबसूरत लगते हो आप इन्हें, बहुत हद से ज़्यादा खूबसूरत, बट अगर जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये नम हो जाते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसी लाई जाए। ओके जिसकी वजह से जो फीलिंग्स हैं जो ये छुपाए बैठे हैं आपके लिए, उन्होंने आज तक आपको बताई नहीं, और बताई भी है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में बताई है, इनडायरेक्ट फॉर्म इस सेंस में कि यू नो बॉडी लैंग्वेज से बता दिया, या फिर आपका बर्थडेट्स या डेट्स याद रखी। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं वो आसानी से डेट्स नहीं याद रखते, बट इफ़ समवन इज़ वेरी स्पेशल टू देम तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं हर एक एक छोटी से छोटी चीज़ का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर ये बात सच है तो। द मून के साथ डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, एंड बहुत डीप इमोशंस रखते हैं आपके लिए, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको रिलेशनशिप का, आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं। ओके ये तो गाइस था पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, फीलिंग्स इनकी वही है, बट यहाँ इन्होंने विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मून एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपको और आपको चूज़ करना था, एक तरफ आप थे एंड दूसरी तरफ इनका करियर था, तो इन्होंने करियर को चूज़ करा, एंड ये करियर को चूज़ करने की वजह रही है इनकी मदर, क्योंकि हमारे पास मून भी आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एक अथॉरिटी फिगर, फीमेल अथॉरिटी फिगर, कुड बी हिज मदर और हिज सिस्टर, जिन्होंने बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करा है एज अ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप, एंड इनको ये बोला गया कि देखो जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपकी रिकॉग्निशन नहीं है, सोसाइटी में नाम नहीं है, कुछ ऐसा सा बोल के इनको ये बोला गया कि प्यार सेकेंडरी चीज़ है, पैसा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो पहले प्रेफरेंस आप पैसों को दो। जिसके चक्कर में आके इन्होंने अपनी मदर की बात सुनी, क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं एंड डिसीजन लेते टाइम सबसे पहले अपनी माँ से ही लेंगे, तो इन्होंने जब ये डिसीजन लिया एंड इन्होंने शादी किसी और से कर ली, लेकिन ये खुश नहीं है, एंड आज भी आपको वही वाला सिनेरियो दिखाते हैं कि ये यू नो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एब्सेंस और प्रेजेंस का। ओके ये कुछ सिनेरियो है, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो गाइस ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। दोनों एनर्जीज गाइस जो मेरे पास आई हैं मैंने आपको दे दी, तो मैसेज है आपके पर्सन के लिए, आई एम थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। गाइस ये जिसके साथ भी है ना अभी भी, अगर ये मैरिड है तो ये खुश नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, ये दिखाते ज़रूर होंगे पर मैं आपको बोलूँगी इनके फोटोग्राफ्स पे या इनकी खुशियों पे जो दिखाते हैं उस पे मत जाना। देर वॉज जस्ट टू मच ड्रामा गोइंग ऑन एट दैट टाइम सो आई वॉकड अवे, तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया था एंड इनको जैसे ज़रूरी लगा कि वॉक अवे कर लेना चाहिए, तो इन्होंने वॉक अवे कर लिया। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमेशा रोज सुबह जब ये आँख खोले तो आप इनके साथ हो। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट, तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। ओके एक बहुत ज़्यादा कुछ कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है एंड इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि इसको क्या नाम दिया जाए, बट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल सच थिंग्स इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो। नेक्स्ट मैसेज है आई वॉन्ट यू माई लव, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन, कम बैक टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये आपको बोल रहे हैं कि इनके पास वापस आ जाओ, ये आपकी वेट कर रहे हैं। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके
यू आर माई स्टार, तो ये आपको एक स्टार की तरह देखते हैं एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये भी मैं आपको बता दूँ. ओके, यू आर माई लकी चार्म, जैसे मैंने बोला आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको बहुत लकी मानते हैं. इनका मानना ये है अगर आप इनके साथ हैं तो ये कुछ भी अचीव कर लेंगे, बट पता नहीं क्यों लोग फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी छुपाते हैं एंड एग्जैक्टली नहीं बताते. एंड आई एम एग्जॉस्टेड डाउन, जैसे कि मैंने बोला कि ये खुश नहीं है जिसके साथ भी रिलेशनशिप में, एंड ये आपको बोल रहा है आई एम एग्जॉस्टेड नाउ. ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं. इतने सारे मैसेजेस गाइज मैं नहीं लूंगी. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है लव इज अ चॉइस एंड आई चूज यू. तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया, बट एक चीज़ बता दूँ कि ये पछता रहे हैं. ही इज़ नॉट हैप्पी, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी आफ्टर मैरिंग समवन एल्स. बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, तो ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टिकल. When tickle fights turns into a kiss, तो ये आपको बोल रहे हैं कि जब आप लड़ते लड़ते एक दूसरे को किस कर देते हैं तो ही रिमेंबर्स दैट थिंग. ओके, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास जो आप लोगों के लिए है, प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी, बेबी ऑफ माइंड. तो ये आपको बहुत ज़्यादा अनमोल, प्राइसलेस मानते हैं. ओके, अपनी लाइफ में बहुत, इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हो. आई लव यू, तो ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी. तो गाइज हो सकता है जब आप लोग मिले हो ना तो ये सबसे पहले आपकी, जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि यू आर जस्ट अ ब्यूटी विद ब्रेन्स. ओके, एंड जिसकी वजह से ये आपकी पर्सनैलिटी से सबसे पहले अट्रैक्ट हुए, एंड यू नो ही इज कम्प्लीटली मेसमराइज विद यू. चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं. साथ ही हम देखेंगे गाइज इसके बाद आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है और कब तक लेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन. ओके, सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं. ओके, ये दोनों थे. ओके, तो पहला मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं वो है, ए मेरे हम सफर. फिर से सॉन्ग आ गया आप लोगों के लिए. हो सकता है म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी कोई मेमोरी हो, या जब भी ये म्यूज़िक सुनते हैं ये वाला तो ये आपको याद ज़रूर करते हैं गाइज. ओके, नेक्स्ट है टेकिंग द लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू. तो डेफिनेटली गाइज ये एक्शन लेते हुए, लेने का सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये मैसेज आया है, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू. एंड नेक्स्ट मैसेज जो मेरे पास है आप लोगों के लिए वो ये है, आई फील एम्प्टी इनसाइड, आई नीड टू फिल मी अप बिफोर आई कैन गिव यू व्हाट यू नीड. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, लेकिन ये भी जानते हैं कि इनका भी हील होना इक्वली ज़रूरी है अगर ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ तो. ओके, नेक्स्ट मैसेज है रिकन्सिलिएशन. तो कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं आपके पर्सन या आप, तो आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है. नेक्स्ट मैसेज है यू गेव मी अनदर लाइफ. तो हो सकता है कि जब आप इनसे मिले हो तो सिचुएशंस इनकी लाइफ में अच्छी ना चल रही हो पर्सनल लाइफ में, एंड जब ये आपसे मिले तो ये अपना पास्ट भूल गए, एंड आज ये आपको बोल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इनको एक नया जीवन दे दिया था. ओके, नेक्स्ट मैसेज जो मेरे पास है वो लम्हे, दिस इज़ अनदर सॉन्ग. सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं आपका, ज़रूर कोई सॉन्ग से रिलेटेड मेमोरी है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या मेमोरी है. थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने जस्ट अभी बोला थोड़ी देर पहले कि यहाँ थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो स्पॉइल्ड हुआ रिलेशनशिप वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, एंड नाउ योर पर्सन इज मैरिड, तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी है. ओके,
आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेज दैट आई मेड. मैंने जस्ट अभी आपको सिचुएशन बताई थी कि इन्होंने अगर करियर एंड यू नो कहूँ मनी एंड लव में किसी को चूज़ करा तो वो थी मनी, एंड नाउ ही और शी इज़ लिटरली सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज अपने उन चॉइसेस के. ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है मेरे पास, प्रेम की नैया है राम के भरोसे. दिस इज अनदर सॉन्ग. आर लव स्टोरी इज माई फेवरेट. तो आपके पर्सन बोल रहे हैं जो आपके साथ इनकी लव स्टोरी है वो इनकी फेवरेट है. एंड नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, यू इंस्पायर मी टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इनको इंस्पायर करते हो ताकि ये बेहतर इंसान बन सकें अपने जीवन में. आई सी यू इन माई ड्रीम्स. तो हो सकता है आपको आपके पर्सन के ड्रीम्स आते हो एंड आपके पर्सन के ड्रीम्स तो आप एंड आपके पर्सन के ड्रीम्स में आप ज़रूर आते हैं, ये तो इन्होंने आपको खुद ही बता दिया. नेक्स्ट मैसेज है, आई हैव सो मच पैशन फॉर यू. डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अट्रैक्शन बहुत है एंड पैशन इक्वली है आप दोनों के बीच में. नेक्स्ट कार्ड है, आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड. तो डेफिनेटली गाइस ये आपको बहुत मिस करते हैं एंड कहीं ना कहीं जब इनकी लाइफ की जैसे मैंने बोला सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, तो ये जानते हैं कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है आपको हर्ट करने का एंड चूजिंग मनी ओवर लव. आप इनको बहुत याद आते हो. पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओ माई गॉड आर यू सीरियस. मैंने अभी आपको ये बताया कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो. एंड सी यहाँ पे आ ही गया पास्ट लाइफ कनेक्शन. चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा एंड कब तक होगा. ओके, कार्ड्स हमारे पास आ ही गए हैं. तो डेफिनेटली जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स. मैं ये मैसेजेस इधर रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली गाइस नजर आए कार्ड्स. ओके, आई होप नाउ द कार्ड्स आर इजिली विजिबल टू यू. वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर. गाइज ये पहले बहुत डरे हुए थे फैमिली से एंड सब लोगों से कि ये इंसान ऐसा है, ये सबको अपने साथ लेके चलने वालों में से, जहाँ पे सबकी खुशी होगी ना ये वो डिसीजन लेगा एंड इसने वही करा. जब इनकी मदर ने बोला कि चूज़ मनी इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो इन्होंने मनी को चूज़ करा एंड शादी किसी और से कर ली. बट नाउ इन्होंने इनका फोकस ये है कि मैं खूब पैसे कमा लूँ, अपनी पावर में आ जाऊँ, तो ये एक्शन लेंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया पलटेगा एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे. विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है जब भी आपको अप्रोच करें तभी भी कोई ना कोई इंटरफेयर करे अपने रिलेशनशिप में. जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे इनसे तो ध्यान रखिएगा किसी तीसरे को ना आने दीजिएगा. लाइक अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं तो अगर किसी फ्रेंड के थ्रू करते हैं फाइन, लेकिन उसके बाद का जो कम्युनिकेशन है आप लोग डायरेक्टली करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज ही रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, एस ऑफ कप्स. तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल ऑफर यू हिज और हर कप ऑफ लव. ओके, चलिए देखते हैं कि ये एक्शन ओके गाइज ये अपने किसी फ्रेंड को भेजेंगे. मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों का डेफिनेटली या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या अपने कुछ कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे आप भी जानती हैं, तो ये उनको भेजेंगे एंड आपसे कम्युनिकेट करेंगे. अब देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन एंड इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा. मदर यूनिवर्स, पाइल टू के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब होगा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू मोर कार्ड्स मदर यूनिवर्स. इतने सारे कार्ड्स आ गए गाइस मैं नहीं लूंगी, अगर इनको आना होगा तो ये डेफिनेटली आएंगे.
ओके कार्ड्स आए हैं, जस्ट अ सेकेंड. ओके या मेरे को लग रहा था. वी हैव द लवर्स, वी हैव नाइन ऑफ कप्स. डेफिनेटली गाइज जैसे कि मैंने बोला आप लोग इनकी विश फुलफिलमेंट हो. ओके मैं एक कार्ड और पुल आउट करूँगी. टाइम मुझे पता लग गया है बट मैं फिर भी एक कार्ड और पुल करूँ. ओके वी हैव द डेथ. ओके यहाँ डेथ में गाइज ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स नहीं लूँगी. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है. ओके किसी टाइप की एंडिंग और न्यू बिगनिंग. अगर आप डेथ के कार्ड को देखें तो यहाँ पे क्या है, इसको लिटरल सेंस में मत लेना. यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है एंड यहाँ देख रहे हो सन उग रहा है तो न्यू बिगनिंग भी हो रही है. डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी. अब वो नई शुरुआत क्या है, देखो अगेन हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स. तो आपके पर्सन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे विद इन 6 to 9 weeks अगले 4 to 6 weeks लाइक फॉर अबाउट 50% ऑफ द पीपल मैं बोलूँगी 4 to 6 weeks के अंदर. फॉर 20% अगले 4 to 6 days के अंदर. ओके एंड रेस्ट के लिए मैं ये बोलूँगी 6 to 9 months. ओके 6 to 9 months के अंदर अंदर आपके पर्सन एक्शन लेंगे. आई नो ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइमिंग्स मैंने दे दिए बट जो मैसेजेस गाइस मैंने आपको दिए ये बिल्कुल क्लियर कट दिए हैं. आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करती तो जो जो मैसेजेस मेरे को मिले मैंने आपको दे दिए. ओके मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. इन नेक्स्ट 4 to 6 days फॉर 50% ऑफ द पीपल, फॉर 20% ऑफ द पीपल सॉरी फॉर 50% अगले 4 to 6 weeks. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. अगले 4 to 6 weeks अगले 4 to 6 weeks के अंदर 50% ऑफ द लोगों को उनका कम्युनिकेशन मिल जाएगा पार्टनर की तरफ से. फॉर 20% अगले 4 to 6 days के अंदर एंड फॉर द रेस्ट 30% 6 to 9 months आप लेके चलें. ओके सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग. आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करी मुझे डिटेल फॉर्म में बताना. आई लव टू सी योर कमेंट्स, मैं रिप्लाई भी करती हूँ सबके कमेंट्स का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. जितना हो सके शेयर करें हमारा ये वीडियो, शेयर करें हमारा ये चैनल एंड जिनसे भी शेयर करें उनको ज़रूर बोलें सब्सक्राइब करने को. इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड हैं. एंड गाइज लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें. ज़रूर करना बेल आइकॉन को क्लिक क्योंकि वहीं से ही आपको पता लगेगा कब नई वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे. मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ गाइज. टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.